प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जीडीए के अध्यक्ष व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जीडीए वीसी अनुज सिंह, सचिव राम सिंह गौतम, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण जन मुद्दों को लेकर गंभीर बने जनता की सुविधाओं पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा, जन मुद्दों से भटकने वाले विकास प्राधिकरणों की जवाबदेही तय की जाएगी। विभाग के मुख्य उद्देश्य विभिन्न ढांचा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप केवल इन्फॉर्मेशन की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास एक मुख्य समाधान योजना ODS जो लागू हुई थी सर फरवरी में, GIS बेस्ड मास्टर प्लान सर, पहले एक बैकग्राउंड और बेसिक इंफॉर्मेशन सर आपके सामने मैं रखूंगा, उसके बाद आवास विकास परिषद और 8 जो विकास प्राधिकरण है वो अपनी जो उन्होंने कार्य किया है सर, जो पॉलिसीज हम लोग अभी बना रहे हैं सर आपके सामने लाएंगे सर अप्रूवल के लिए, एक हाईटेक में जो संशोधन है सर जो ईवरस वाला एकीकृत मंडल कार्यालय का नट्टी लगाता है सर, जब भी अयोध्या के लिए जो आपने निर्देश दिए हैं वहाँ के विजन डॉक्यूमेंट के लिए कितनी हम लोगों ने सर हम उसकी कर रहे हैं सर। प्रधानमंत्री आवास योजना चौथे एजेंडा में आता हूँ सर, निर्धारित लक्ष्य 4 लाख का था सर, जिसमें कुल सभी परियोजनाएं 150 की थी सर, 150 में 1,32,000 आवास बनने थे सर, जिनके अंतर्गत 39,105 आवास बनने हैं सर, जिसमें अभी जो पूर्ण करके हो चुके हैं सर वो 750 है। केंद्रांश की जो धनराशि है प्रथम किस्त 56 परियोजनाओं पे दी सर, बहुत ही खराब। इस दौरान 5 लाख इस समय हम लोगों की स्कीम का पार्ट बना हुआ है सर। विकास प्राधिकरणों का ये केवल 750 देना ये चीजें दिखाती हैं कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर विकास प्राधिकरण कितना ध्यान दे रही है, लोक कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं पर कितना ध्यान दे रही है, ये बहुत ही खराब है। मैं इस पर भी जवाबदेही तय करने वाला हूँ अलग अलग विकास प्राधिकरणों का, इस पर आगे बढ़ जाएंगे सर। सर इनिशियल असेसमेंट था सर कि डिफॉल्टर्स कितने हैं सर, 53,515 की सूची आई थी सर, अनुमानित आय जो उससे प्रस्तावित थी करीब 2,832 करोड़ की थी सर, जो उसमें से 10,256 है सर, उसमें जो कुल मांग जनरेट हुई है सर 14,1484 आवेदन आए हैं, इसको अगर वास्तविक अनुमानित आय थी इससे कई ज्यादा होती, क्वालिटी के साथ निस्तारित नहीं की गई सर, क्योंकि वही सिस्टम अभी भी जकड़ा हुआ है, इसमें हमने रिफॉर्म किए ही नहीं अपने यहाँ, और उसी का परिणाम है कि जहाँ हम 2,800 करोड़ रुपए की रखते थे अनुमानित आय रखते थे, आपके पास केवल 256 करोड़ ही अब रुपये ही आ पाए हैं, इतना ही केवल आ पाया है सर, क्योंकि आने के लिए सबसे बड़ी बात तो वहां बैठे हुए लोग हैं, अरे पूछा जाना चाहिए कि उसमें कौन कौन विकास प्राधिकरणों की क्या प्रोग्रेस है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए सर। सर बिफोर टाइम है सर, 31 मार्च तक हम सभी के ड्राफ्ट मास्टर प्लान पब्लिकेशन करके और आपत्ति की सुनवाई, इतनी लंबी प्रोसेस, इतनी थकाओ प्रोसेस यानी आपके बाद में हम लोगों ने जेवर में यमुना अथॉरिटी से कहा था फिल्म सिटी के लिए कंसल्टेंट रखने के लिए, उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई, उनका चयन भी हो गया, आपके यहाँ भी वो बिल्कुल थकाओ प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, और बाद में तब तक फिर प्रदेश सरकार का मूड ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब तक वो इतनी खराब हो चुकी होगी स्कीम की कि हम लोगों को दूसरे विकल्पों में जाना पड़ेगा, नहीं कर पाते, एकदम थकाओ और एकदम बोरिंग वाले इसको लेकर के आते।